हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बायो पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेज। माई सेल्फ डॉक्टर संजय कुमार, मैं आप लोगों के लिए अपना एक नया लेक्चर टॉपिक बायोलॉजी इन इट्स ब्रांचेस पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इसके पहले आप लोगों ने मेरे दो लेक्चर्स देखे होंगे, जिसमें बायोलॉजी इन इट्स ब्रांचेस पार्ट 1 एंड बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस पार्ट 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो ये तीसरा लेक्चर हमारा है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस पार्ट 3। इस बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस को पार्ट 3 तक पहुंचाने का मेन रीज़न ये है कि आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे अच्छे से समझ के चलें, और जो ये अप्रोच टू स्टडी का हम टॉपिक लेकर के आए हैं ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, इसको मेन मकसद ये है कि इसमें आप लोग जान सकें कि हम बायोलॉजी की कौन कौन सी फील्ड्स हैं, जिसमें कि हम अपना कैरियर भी बना सकते हैं, या अगर और अच्छा पढ़ना चाहें तो एक ब्रॉड सब्जेक्ट लेकर के भी उसको हम पढ़ सकते हैं। तो इस चैनल को शुरू करने से पहले आप लोग इसे इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट, सो दैट यू कीप इन टच विद मी व्हेन आई विल अपलोड अ न्यू लेक्चर्स फॉर यू। तो इस वीडियो को सबसे लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस पार्ट 3 को, जिसमें कि हम नए टॉपिक्स को लेकर के आगे चलेंगे। तो बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस पार्ट 3, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच टू स्टडी बायोलॉजी डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ ब्रांचेस एज पर स्टडी इंटरेस्ट। यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टडी के बेसिस पे, कि आप किस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं स्टडी के लिए, उसके बेसिस पे बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस की गई हैं। तो पहली ब्रांच है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक शेप, साइज एंड कलर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्लांट इज प्रेजेंट, यू नो इट वेरी वेल द प्लांट्स आर ऑफ वेरियस टाइप, लाइक द सम क्रीपर्स आर प्लांट्स जो कि जमीन पे रेंगते रहते हैं प्लांट्स, सम कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ट्री होते हैं, बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं। तो यू जस्ट आइडेंटिफाई द प्लांट बाई सीइंग दिस एक्सटर्नल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुलाब का पेड़ देखा, आपने गुड़हल का देखा, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये जस्ट आपने उसको बाहर से देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज प्लांट इज द रोज एंड दिस प्लांट इज द चाइना रोज। सिमिलरली इन द केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में आप डिफरेंट एनिमल्स को उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वॉट इज मॉर्फोलॉजी? दैट मीन्स द स्टडी ऑफ अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल फीचर्स। उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, जैसे हाथी है बहुत बड़े साइज का हो गया, एलिफेंट हो गया, दूसरा रैट है छोटा साइज है। तो आपने उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि कौन सा एनिमल क्या है। दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, मीन्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of external features, okay? The second is anatomy. Anatomy means the study of organism through their cross sections. Different sections काटे जाते हैं either of the plant or the animals. तो यहाँ पे क्या है कि आप उसका longitudinal section काट सकते हैं, उसका transverse section काट सकते हैं, उसका vertical section काट सकते हैं। तो इन सब sections के basis पर अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन बॉडी को कट किया गया उसके वेंट्रल सरफेस से, तो यहाँ पे आप बगल के इमेज में देख रहे होंगे कि उसको वेंस दिखाई पड़ रही है, वहाँ पे थोरेसिक केज है, हार्ट है, लिवर है, स्टमक है। तो आपने क्या किया, उसका सेक्शन काटा, और सेक्शन काटने के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया कि वॉट आर द वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्लांट, सिमिलरली इन द केस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो एनाटॉमी मीन्स स्टडी थ्रू द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
नेक्स्ट आती है हमारी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। दैट मीन्स व्हाट आर द वेरियस टिश्यूज आर फाउंड इन द प्लांट और द एनिमल। जैसे कि बगल में आपके इमेज दिखाई पड़ रही है, स्किन की इमेज है। स्किन में आपका म्यूकोसा लेयर होगा, सब म्यूकोसा लेयर होगा, डिफरेंट लेयर्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्लांट, वहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जो कि पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो अगर आप स्टडी करते हैं टिश्यू लेवल पे जा करके, टिश्यू व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स वी कैन से द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और द लाइफ प्रोसेस। किसी ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्लांट में आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, तो ये सारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं दे आर कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और द लाइफ प्रोसेस। तो अगर आप इनकी स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका फिजियोलॉजी हो गया। तो प्लांट और एनिमल की बेसिस पे इसको डिस्क्राइब करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मीन्स प्लांट के अंदर होने वाले फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और एनिमल फिजियोलॉजी मीन्स एनिमल्स के अंदर होने वाले फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो इनकी स्टडी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आएगा दैट इज ये आपने इमेज भी देखी होंगी यहाँ पर कि बहुत सारे आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में नर्वस सिस्टम भी है, रिप्रोडक्शन भी है, सब शो कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, नेक्स्ट ब्रांच जो आती है दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो मीन्स हाउ द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, हाउ द डिफरेंट फेट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो एम्ब्रियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, और वी कैन से स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। कोई भी नया ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो आफ्टर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियो से न्यू बॉडी बनती है। तो बगल की इमेज में आप देख रहे होंगे कि छोटा सा बेबी है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो इन द ह्यूमन। तो ह्यूमन में कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, सिमिलरली प्लांट में होता है। तो स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारी ब्रांच आती है जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन स्ट्रक्चर एंड देयर इनहेरिटेंस मीन्स जीन्स का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या जीन स्ट्रक्चर। तो अगर हम जीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये आपकी कहलाती है जेनेटिक्स। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स में बहुत सिमिलरिटी होती है। ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट्स से बहुत मिलते जुलते हैं, चाहे वो शेप में उसके आपके कलर में ले लीजिए या आपके हेयर स्टाइल में ले लीजिए या आपका कहीं ना कहीं फिजिकल जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सिमिलरिटी रहता है थोड़ा सा। क्यों? बिकॉज द जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। माता पिता के जो जीन्स होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, तो इसीलिए कैरेक्टर्स भी सिमिलर आ जाता है थोड़ा सा। तो जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन स्ट्रक्चर एंड देयर इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स आपका डीएनए, आपका आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर आप इनकी स्टडी कर रहे हैं तो ये मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर आएगा। हाउ टू जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, हाउ दैट आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डीएनए, व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा, व्हाट इज म्यूटेशन। तो ये सब जो स्टडी आपकी आएगी वो मॉलिकुलर बायोलॉजी में आएगी। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फीचर्स, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, आपके बहुत सारे जो प्रोटोजोवंस होते हैं। ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ द बैक्टीरिया प्रोटोजोवंस दे फॉर्म द डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, तो
अगर किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, उसका फिजिकल एक्सपीरियंस देख रहे हैं, उसका उसके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी है, कैसे वो उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चलती है, तो इन सब की स्टडी करती है माइक्रोबायोलॉजी। तो सिंपली व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों ने ये 8 ब्रांचेस देखी। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच आती है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच इंजीनियरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मिला करके हमने क्या किया, बायो में मिक्स किया, बायोटेक्नोलॉजी बन गई। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड की कुछ ब्रांच को मिला करके और बायोलॉजी ब्रांच की फील्ड को मिला करके ऐड करके नई ब्रांच बनाएगी। जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस, बहुत समय से हम लोग करते रहते हैं फर्मेंटेशन। आप लोग अगर डोसा का प्लेटर बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। सिरका आपने सुना होगा, वाइट विनेगर और डार्क विनेगर, तो क्या है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बन रहा है। ब्रेड आपकी कैसे बनती, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है। तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग अब यूटिलाइज भी कर रहे हैं अपने ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में, अपनी मेडिसिन के वेलफेयर में। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी ब्रांच है जिसमें कि हम लोग न्यू बेनिफिशियल मेडिसिन का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और बहुत सारी वैक्सीन्स का प्रोडक्शन भी बायोटेक के माध्यम से होता है। बायोकेमिस्ट्री, दैट मीन्स स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, तो इन सब की स्टडी कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। कैसे उसकी सिंथेसिस हो रही है, कैसे उसे उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, कैसे उसको डाइजेशन किया जा रहा है, क्या मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमने खाना खाया, जो कार्बोहाइड्रेट लिया, अगर बहुत ज़्यादा ले लिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और ज़्यादा अगर खाया हुआ है हमने तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके लिपिड्स में, इसको ओबेसिटी होने लगती है कि मोटापा बढ़ रहा है। तो व्हेन वी टेक द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज और द हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ मील, इट विल कन्वर्ट इंटू ग्लाइकोजन, इट विल कन्वर्ट इंटू लिपिड्स, एंड ऑन द नीड ग्लाइकोजन इज कन्वर्ट इंटू ग्लूकोज और द लिपिड इज कन्वर्ट इंटू ग्लूकोज। तो ये सारी प्रोसेस जो हैं ये आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो इसका जो इकोसिस्टम हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, और इसकी स्टडी इकोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक आपके एनवायरमेंटल आ गया, और बायोटिक में आपके एनिमल्स, प्लांट, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट इज पोमोलॉजी। व्हाट इज पोमोलॉजी? पोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्रूट्स, कि आपने किसी फ्रूट की स्टडी करनी है, तो फ्रूट की स्टडी करने के लिए फ्रूट में कौन से विटामिन्स प्रेजेंट हैं या कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, विच व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ फूड, तो इसको कहलाते हैं पोमोलॉजी। स्पेशली द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो रहा है। जैसे ह्यूमन का आप देख रहे हैं कि ह्यूमन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा, चिंपैंजी से हो रहा, कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो कन्वर्ट हो गया, बाइपीडल मूवमेंट शुरू हुआ, तो क्वाड्रीपीडल से हम लोग बाइपीडल पे आ गए, यानी कि पहले चार पैरों से चलते थे, नाउ द फोर आर्म्स को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, हैंड के फॉर्म में, तो बाइपीडल मूवमेंट शुरू हो गया। तो अगर आपका इसका इवोल्यूशन देख रहे हैं कि ह्यूमन कैसे इवोल्यूट हुआ, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि हिप्पस, दैट मीन्स घोड़े में कैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले छोटे पैर थे भी बड़े पैर हुए, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इवोल्यूशन में आएंगी या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में होगी। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी,
मीन्स स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म में इम्यून सिस्टम कैसा है, उसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो जैसे भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे अंदर क्या होता है, उसके अंदर लड़ने की क्षमता, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होती है, जिसको कॉल्ड इम्यून सिस्टम। तो अगर आप इसकी स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कैसा है, तो इम्यूनोलॉजी हो गई। तो वेरियस एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी, MHC एंटीजेंस, मेजर हिस्टोकॉम्पिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इम्यूनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम सिंपली। नेक्स्ट इज पेलियोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स, कि फॉसिल्स कैसे स्टडी कर रहे हैं। जो आज से पहले जो भी ऑर्गेनिज्म थे, वो अगर उनके फॉसिल्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो उसकी स्टडी कहलाती है पेलियोलॉजी। तो आप यहाँ पे देखा आपने कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि अवेलेबल हैं स्टडी करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ऐसे अप्रोच टू स्टडी आप एक ब्रांच ले करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये था अबाउट बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस के बारे में पार्ट थ्री। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियोस व्हेन वी आई अपलोड फॉर दिस। यू कैन कॉन्टैक्ट मी at my email ID kumarbiomeclasses@gmail.com. You can follow me also on my Instagram, my Twitter. The description is given in this video. And you can check my website biomebiology.webs.com. So please like, share and comment. आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो knowledge के basis पे या biology की study के basis पे बहुत helpful होंगी। तो please keep in touch and thanks for watching this video. Thank you very much.